पहला क्वेश्चन है, किस देश में पांच सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? ए चीन, सर्दी में कोहरे की वजह से पांच सूरज दिखाई देता है। बी जापान, सर्दी में कोहरे की वजह से पांच सूरज दिखाई देता है। सी अर्जेंटीना, सर्दी में कोहरे की वजह से पांच सूरज दिखाई देता है। डी स्विट्जरलैंड, सर्दी में कोहरे की वजह से पांच सूरज दिखाई देता है। सही आंसर होगा ए चीन, सर्दी में कोहरे की वजह से पांच सूरज दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर है जो दूध और अंडा दोनों देता है? ए गेंडा, प्लेटिपस, सी भालू, डी मगरमच्छ। सही आंसर है बी प्लेटिपस। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा प्राणी है जो नर से मादा बन सकता है? ए ऑक्टोपस, बी सील, सी डॉल्फिन, डी वालरस। सही आंसर है ए ऑक्टोपस। अगला क्वेश्चन है, वो कौन सी प्राणी है जो नर होते हुए भी बच्चों को जन्म देता है? ए समुद्री घोड़ा, बी ऑक्टोपस, सी वाडलस, डी कछुआ। सही आंसर है ए समुद्री घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? ए नीदरलैंड, बी फिनलैंड, सी न्यूजीलैंड, डी साउथ अफ्रीका। सही आंसर है बी फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम? ए सिद्धार्थ, बी महावीर, सी आर्यभट्ट, डी भरत। सही आंसर है ए सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, किस देश में खट्टा शहद मिलता है? ए ब्राजील, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड, डी साउथ अफ्रीका। सही आंसर है ए ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, हाथी की नज़र में क्या विशेषता है? ए हाथी को प्रत्येक वस्तु दोगुना बड़ी नज़र आती है। बी हाथी को प्रत्येक वस्तु आधी नज़र आती है। सी हाथी को प्रत्येक वस्तु पांच गुना बड़ी नज़र आती है। डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए हाथी को प्रत्येक वस्तु दो गुना बड़ी नज़र आती है। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की उम्र सबसे अधिक है? ए कछुआ, बी हाथी, सी मगरमच्छ, डी शेर। सही आंसर है कछुआ। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? ए ऑटो हॉर्न ने, बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने, सी एडवर्ड टेलर ने, डी रदरफोर्ड ने। सही आंसर है सी एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में सबसे पहली कागजी मुद्रा जारी की गई थी? ए चीन में, बी जापान में, सी भारत में, डी इंग्लैंड में। सही आंसर है ए चीन में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? ए अमीबा, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी कवक। सही आंसर है ए अमीबा। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में ली जाती है? ए एथिलीन, बी मीथेन, सी ब्यूटेन, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए एथिलीन। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर
कनिकाओं। ए का आकार बढ़ जाता है, बी की संख्या बढ़ जाती है, सी का आकार छोटा हो जाता है, डी की संख्या घट जाती है। सही आंसर है ए का आकार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है। ए लहसुन, बी पोटेशियम, सी कार्बन, डी आयरन। सही आंसर है ए लहसुन। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। ए उष्मा के बुरे अवशोषक हैं, बी सस्ते होते हैं, सी आकर्षक होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ए अल्ट्रावायलेट वेव से, बी अल्ट्रासोनिक वेव से, सी रेडिएशन से, डी स्पेशल रेटिना से। सही आंसर है बी अल्ट्रासोनिक वेव से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। ए विकिरण, बी जलवाष्प, सी धूल के कण, डी परिकीर्णन। सही आंसर है डी परिकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ए दो, बी चार, सी आठ, डी अनंत। सही आंसर है डी अनंत। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण या यंत्र को कहते हैं। सही आंसर है ए रेफ्रिजरेटर, बी रेडिएटर, सी कार्बोरेटर, डी जीएम काउंटर। सही आंसर है बी रेडिएटर।